कि वृक्ष नहीं तो निकले जान, धरती होगी रेगिस्तान। यदि यह पेड़ नहीं रहेगा तो धरती वीरान और रेगिस्तान। यादें तो बहुत सारी है, इतनी यादें हैं कि झाझा के लोग गिनते रहे। वृक्ष है तो हम हैं, हम हैं तो वृक्ष है। इस वजह से जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उसे दुगुना पेड़ हम लोगों ने अभी तक लगा चुका है। दर्शकों आपको याद होगा सरकार की योजना है एक वृक्ष माँ के नाम। ऐसे में AGM भारतीय स्टेट बैंक झाझा डॉक्टर गौरांग मनोज कुमार सहायक भारतीय स्टेट बैंक झाझा आज प्लस टू उच्च विद्यालय उच्चतर विद्यालय चाय में राजेश कुमार जो यहाँ के प्रभारी उनके सानिध्य में तमाम शिक्षकों के सामने एक पौधारोपण किया गया। जिस तरह पौधा कुछ नहीं बोलता सिर्फ देता है, दुनिया में इकलौती चीज है, एक है माँ दूसरा पेड़, जो बिना मांगे सब कुछ समझ कर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। माँ भी देती है और वृक्ष भी देते हैं। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा करें। और जिस तरह डॉक्टर गौरांग की मुहिम रंग ला रही है, कहीं ना कहीं हर एक विद्यालय में कई बार इन्होंने पौधा पेड़ लगाने का प्रयास किया, इससे एक जिम्मेवारी बढ़ती। कई महिला शिक्षक हमारे साथ जुड़ते हुए बोली कि पेड़ हमारी जिंदगी, क्यों ना हम लोग अपनी जिंदगी को संवारें। देखिएगा हमारी भौतिक आप रिपोर्ट। कुछ कार्यक्रम हो रहा था आज भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे स्टेट बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके लिए यहाँ पर जो है प्लस टू चाय हाई स्कूल को चुना गया था और यहाँ पर ला करके हम लोग वृक्षारोपण किए हैं। पर्यावरण की शुद्धता और फलदार पेड़ों की जो है संख्या बढ़ाने के लिए जो है हम लोगों ने सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या लगता है कितने लोग इसमें एक्टिव हो सकते हैं? नहीं, इसमें तो हर लोगों को एक्टिव होना चाहिए। हम लोगों ने कम से कम इतना किया है कि जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उसे दुगुना पेड़ हम लोगों ने अभी तक लगा चुका है। और यहाँ के जो है हमारे हेडमास्टर साहब जो हैं इनका बहुत सानिध्य रहा है, इन्होंने स्पेशली हम लोग को आमंत्रित भी किया और हम लोग चाह भी रहे थे, इनसे रिक्वेस्ट किया आज कि आज लगाएंगे, तो इन्होंने परमिशन दिया, हम लोग आकर के लगा रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना कुमारी क्या है आप मैडम? मैं यहाँ प्रखंड शिक्षिका हूँ। आज भारतीय स्टेट बैंक के AGM डॉक्टर गौरांग आपके विद्यालय परिसर में आकर वृक्षारोपण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? इनके लिए तो मैं पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारे विद्यालय में ये वृक्षारोपण का कार्य हुआ है और ये तो हर आदमी को लगाना चाहिए क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं, हम हैं तो वृक्ष है। इस वजह से और इसके आगे मैं क्या कहूँ। प्लस टू विद्यालय चाय के प्रभारी राजीव जी, आज भारतीय स्टेट बैंक आपके विद्यालय में आकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं इसके लिए AGM साहब को कोटि कोटि धन्यवाद और इस झाझा की धरती से इनका प्रमोशन होके मुंबई जा रहे हैं, इसलिए इनका हार्दिक शुभकामना देते हैं कि इसी तरह मुंबई को भी एक वृक्ष लगाते रहें। कहने के अपनी यादें छोड़ने तो नहीं आ गए सर? नहीं, ये तो यादें तो बहुत सारी है, इतनी यादें हैं कि झाझा के लोग गिनते रहेंगे, कितनी की शादी करवा दिए, कितना का श्राद्ध करवा दिए और कितना का वेतन दिलवा दिए, इसमें तो इनका कोई जवाब ही नहीं। किस रूप में देख रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक आपके द्वारा आपके विद्यालय में आकर आज वृक्षारोपण कर रहे हैं AGM डॉक्टर गौरांग एवं पूरी टीम? इस बात को कहने के लिए मैं पहले एक लोकोक्ति कहना चाहूंगा कि वृक्ष नहीं तो निकले जान, धरती होगी रेगिस्तान। यदि यह पेड़ नहीं रहेगा तो धरती वीरान और रेगिस्तान हो जाएगी, तो उसको रेगिस्तान होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण बेहद ही आवश्यक है। वर्तमान समय में पर्यावरण के संतुलन के उपलक्ष्य में जितने वृक्षों की संख्या होनी चाहिए हम उससे भी पिछड़ रहे हैं और उसको संतुलित रखने के लिए आज वृक्षारोपण की दर में वृद्धि करना बेहद ही आवश्यक है। और यदि ऐसा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है तो मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा। Each one should plant one। आपने देखा होगा एक पेड़ माँ के नाम सरकार का बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है। आज सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक झाझा डॉक्टर गौरांग आज चाय प्लस टू विद्यालय में तमाम विद्यालय परिवार के साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं। आपको याद होगा कहा जाता है एक पुत्र सौ सौ एक वृक्ष सौ पुत्र समान, बहुत सारे स्लोगन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार भी सर के साथ हैं, राजेश कुमार जो यहाँ के प्रभारी हैं, तमाम शिक्षक समुदाय के लोग।
Thank you.